फ्रेंड्स, ये वीडियो स्पेशली पराग दामले और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स और सब्सक्राइबर्स के लिए जो समझना चाहते हैं कि अगर वो Amazon Affiliate Marketing के प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहते हैं तो कैसे करें। फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाऊं कि आप कुछ भूल गए हो। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर किया भी है तो अभी तक लाइक और कमेंट नहीं किया, दोस्तों कर दीजिए, क्योंकि आई फील मोटिवेटेड गाइस। फ्रेंड्स, मेरे एक फ्रेंड है जिनका नाम है पराग दामले, जो मुंबई में रहते हैं, स्पेशली उल्लासनगर इस एरिया में बिलोंग करते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि वो एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, वो है एलईडी लाइट्स का। तो मैंने उनको पूछा कितनी इन्वेस्टमेंट है, तो उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट 2 से 5 लाख के रेंज में हो सकती है, स्टॉक जितना परचेस करेंगे उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, साथ में उनको एम्प्लॉय हायर करने पड़ेंगे मार्केटिंग के लिए, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, साथ में वो जो ऑफिस है उनका या फिर जो शॉप है उसका रेंट। दोस्तों, ये टोटल इन्वेस्टमेंट 5 लाख के आसपास की है। और मैंने उनको कहा, क्या मैं आपको एक ऐसा वे आउट सजेस्ट करूं जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट जीरो हो जाए, 5 लाख से 5 हजार पे आ जाए और आप वही बिजनेस करोगे जो आप करना चाहते हो, मतलब एलईडी लाइट्स का। तो मैंने उनको कहा कि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको कहते हैं Amazon Affiliate Marketing। कमीशन जो है वो वैरी करता है एलईडी लाइट्स के लिए 5 to 10% तक, लेकिन आपके पास में हर वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो सकता है, जैसे वो बजाज का हो, सिस्का का हो या फिलिप्स का हो, वो सभी प्रोडक्ट्स आप रख सकते हो बिना इन्वेस्टमेंट के। उसके लिए आपको क्रिएट करनी होगी एक वेबसाइट और फाइनली उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना होगा। प्रमोशन के लिए आपको मार्केटिंग के जो एग्जीक्यूटिव्स है उनकी जरूरत नहीं होगी, डोर टू डोर मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप करोगे एफिलिएट मार्केटिंग को प्रमोट डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। फ्रेंड्स, ये वीडियो स्पेशली पराग दामले और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स और सब्सक्राइबर्स के लिए जो समझना चाहते हैं कि अगर वो Amazon Affiliate Marketing के प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहते हैं तो कैसे करें, कैसे आसान इजी स्टेप्स में Amazon Affiliate Marketing के प्रमोट करें और ट्रैफिक को कन्वर्ट करें कन्वर्जन में, कैसे फर्स्ट मंथ से बिजनेस लाना शुरू करें, दोस्तों कंप्लीटली देखिए। सो फ्रेंड्स, ये 5 तरीके हैं जिनको हम लोगों को समझना है वन बाय वन, ताकि आप Amazon Affiliate के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सको। दोस्तों, प्रमोशन के पहले आपको Amazon एसोसिएट अकाउंट के ऊपर में रजिस्ट्रेशन करना होगा, ताकि Amazon आपको लिंक्स प्रोवाइड करे प्रोडक्ट्स की और उन लिंक्स को आपको प्रमोट करना है। तो उसके लिए एक लिंक दिया दोस्तों यहाँ पर, जो वीडियो बना चुका हूँ, जहां पर आप समझ सकते हो कि एसोसिएट अकाउंट के ऊपर में रजिस्ट्रेशन किस तरह से होता है और लिंक किस तरह से ली जाती है। तो वो वीडियो देख के फिर से एक बार यहाँ पे आ जाइए, ताकि आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, प्रमोशन स्ट्रेटेजी समझ सको। दोस्तों, नंबर 5th पे है पेड एड। पेड एड मतलब आप किसी को पे कर रहे हो। वैसे तो ऑर्गेनिक तरीका भी होता है, जहां पर आप बिना पे किए, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू अपने कीवर्ड्स को रैंक करा पाओ गूगल या उसके जैसे सर्च इंजन के ऊपर में, ताकि आपको कंसिस्टेंट और लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिले। लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है और समय भी लगता है। अगर आपके पास में समय की कमी है और आप अपने प्रोडक्ट्स को स्पेशली सीजन में, दिवाली दशहरे के वक्त अगर आपको प्रोडक्ट प्रमोट करने हैं और आप रैंक नहीं करते हो, तो आपके पास में पेड एडवर्टाइजमेंट ये एक मौका रहता है, जिसके थ्रू आप अपने टारगेट ऑडियंस तक बहुत आसानी से जल्द पहुंच सकते हो। लेकिन पेड एडवर्टाइजिंग इज नॉट अ रिकमेंडेड वे ऑफ डूइंग प्रमोशन। दोस्तों, अगर आपके पास में बजट है और आपको अंडरस्टैंडिंग है किस तरह से पेड एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो डेफिनेटली आपने करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास में बजट नहीं है, आपको पता नहीं है किस तरह से एड्स की जाती है, तो होल्ड ऑन दोस्तों, उसके लिए आपको दूसरा तरीका यूज करना। सो फ्रेंड, नेक्स्ट तरीका है इवेंट ब्लॉग्स। जैसे कि मैंने कहा कि आपके पास में आपकी वेबसाइट होना जरूरी है या ब्लॉगिंग साइट होना जरूरी है, और उसके ऊपर में आपको कंटेंट भी क्रिएट करना होगा, जनरेट करना होगा, लिखना होगा। दोस्तों, आप उसी कंटेंट को प्रीफर कीजिए जो आपकी क्लोज टू हार्ट हो या फिर आप खुद का इंटरेस्ट रखते हो, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है, लोग या ऑडियंस वही सुनना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जो आप खुद बताएं या खुद की राइटिंग से आप एक्सप्रेस कर पाओ। दोस्तों, चाहे वो 2 प्रोडक्ट का कंपैरिजन चार्ट हो या फिर सिंगल प्रोडक्ट का रिव्यू हो, खुद कीजिए तो ज्यादा दूर तक जाओगे। फ्रेंड्स, इवेंट ब्लॉगिंग क्या होता है? इवेंट ब्लॉगिंग मतलब जैसे अभी इवेंट्स आने वाले हैं, त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है, जैसे राखी है, उसके बाद में दशहरा है, दिवाली है, इन सीजन से रिलेटेड जो कीवर्ड्स होते हैं वो तुरंत ज्यादा सर्च वॉल्यूम के साथ में रैंक होना शुरू हो जाता है। जैसे राखी में अगर आप अपने ब्रदर्स के लिए, सिस्टर्स के लिए गिफ्ट देना चाहते हो, तो ऐसे कीवर्ड पे काम कर सकते हो, जैसे गिफ्ट फॉर ब्रदर्स, गिफ्ट फॉर सिस्टर, जिसमें हेल्थ से लेकर गैजेट तक का प्रोडक्ट प्रमोशन कराया जा सकता है। दोस्तों, ऐसे कीवर्ड बहुत आसानी से रैंक होते हैं, सीजन वाइज होते हैं, लेकिन ज्यादा सर्च वॉल्यूम के साथ में आते हैं, और आपको हर सीजन का ख्याल रखना है, ताकि
उस ब्लॉक को आप इजीली रैंक कर पाओ और उसी सीजन को नेक्स्ट ईयर फिर से एक बार थोड़ा रिन्यू करके फिर से एक बार उसको इंडेक्सिंग कर सकते हो, फिर से एक बार उससे बिजनेस जनरेट कर सकते हो। सो दोस्तों, इंडिया में या फिर किसी भी कंट्री में इवेंट की कमी होती नहीं है और उस इवेंट में कई सारी शॉपिंग होती है, तो इसको ध्यान में रख के आपको कीवर्ड पता लगाना है, कीवर्ड रिसर्च करना है और उसके ऊपर में ब्लॉग्स लिखना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टूल है ईमेल मार्केटिंग। जैसे आप अपना कॉन्टेंट जनरेट करना शुरू करते हो तो आपके कंटेंट के कीवर्ड ऑन पेज और ऑफ पेज मतलब लिंक बिल्डिंग की एक्टिविटी के थ्रू रैंक होना शुरू होते हैं। उसके लिए समय लग सकता है 2-3 महीने 4 महीने, लेकिन अगर आप चाहते हो क्विकली आप अपने ऑडियंस तक पहुंचो तो उसके लिए एक आसान तरीका है जो है ईमेल मार्केटिंग। दोस्तों, ईमेल मार्केटिंग आप फ्री में भी कर सकते हो, पेड में भी कर सकते हो, लेकिन फ्री में अपने प्रोज एंड कॉन्स है। फ्री में करोगे तो आपको पैसे तो नहीं लगेंगे, लेकिन आपके मेल्स जो है आपके ऑडियंस में प्राइमरी सेक्शन में नहीं जाएंगे, वो जाएंगे स्पैम में या सेकेंडरी सेक्शन में। लेकिन दोस्तों, अगर आप एवेबर या मेलचिम्प जैसे पेड टूल्स को यूज करते हो तो आपके मेल्स जो है वो प्राइमरी या सोशल सेक्शन में जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ताकि आपको बेटर क्लिक थ्रू रेट मिले, और बेटर क्लिक थ्रू रेट मतलब बेटर कन्वर्जन। दोस्तों, दुनिया के सभी बड़े बड़े एफिलिएट मार्केटर्स ईमेल मार्केटिंग टूल को यूज करते हैं और बेटर कन्वर्जन के साथ में अपना रेवेन्यू जनरेट करते रहते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपके ऑडियंस तक पहुंचो तो ईमेल मार्केटिंग का टूल यूज कीजिए। अगर आपको डेटाबेस का प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों, तो उसका वीडियो मैं लेटेस्ट में ही बना चुका हूं, जिसका लिंक भी दिया है दोस्तों, उसके थ्रू चेक कर लीजिए किस तरह से आप डेटाबेस क्रिएट करो ताकि उनको राइट ऑडियंस को आप ईमेल्स भेज सको। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट है उनके लिए जिनको वेबसाइट बनाने में डिफिकल्टी आ रही है या फिर जो लोग वेबसाइट बना नहीं पाएंगे। जैसे मेरे फ्रेंड जो है पराग, उनको वेबसाइट डेवलप करना नहीं आता है, तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि वो Q&A प्लेटफॉर्म के ऊपर में जाए। अब Q&A मतलब क्वेश्चन आंसर प्लेटफॉर्म, उसमें लीडिंग प्लेटफॉर्म जो है वो कोरा। कोरा के ऊपर में आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और वहां पर दिए गए हुए हाई वॉल्यूम के क्वेश्चंस को आंसर कीजिए। दोस्तों, कोरा जो है ऐसी साइट है जो गूगल के नंबर वन पेज के ऊपर में हमेशा रैंक करती है, जिसके कारण उसके आंसर्स भी रैंक करते हैं। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस के रिप्लाई आपको करने हैं आपकी एक्सपर्टीज के साथ में, और वहां पे इमेजेस दीजिए, वहां पर अपनी वीडियोस डालिए और साथ में दीजिए लिंक। दोस्तों, कोरा प्लेटफॉर्म के ऊपर में आप अमेजोन के लिंक डायरेक्टली प्रमोट नहीं कर सकते हो, लेकिन वहां पर फुटनोट में एक टैब दिया होता है जहां पर आप अपने लिंक इंसर्ट कर सकते हो और उनका प्रमोशन भी कर सकते हो। फ्रेंड्स, कोरा के ऊपर में अच्छी खासी ट्रैफिक आती है। मेरे खुद के कोरा के अकाउंट के ऊपर में 1000 प्लस ट्रैफिक आती है मंथली, और उसमें से 10% का कन्वर्जन भी एक्सपेक्टेड होता है दोस्तों। और साथ में कोरा के ऊपर में कंसिस्टेंट ट्रैफिक आती है, चाहे वो 2 साल 3 साल 5 साल पुराना क्वेश्चन क्यों ना हो, लेकिन वहां पर ट्रैफिक हर महीने आती रहती है। फ्रेंड्स, अब हम लोग देख रहे हैं सोशल साइट्स, उनके लिए जिनके पास में वेबसाइट का प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में हमेशा एक्टिव रहता है, चाहे वो फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो। हम लोग प्लेटफॉर्म के ऊपर में मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आप एफिलिएट लिंक प्रोवाइड करोगे इन ग्रुप्स में तो आपको बिजनेस आने के चांसेस उतने नहीं होते, क्योंकि ये क्लोज ग्रुप होता है दोस्तों। आपके फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड सर्कल का ग्रुप होता है फेसबुक या इंस्टाग्राम, जहाँ पर आपको बिजनेस आने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसीलिए आपके पास में 3 प्लेटफॉर्म के ऊपर में फोकस करने के चॉइसेस हैं, वो है पॉडकास्ट, पिंटरेस्ट और यूट्यूब। दोस्तों, पॉडकास्ट मतलब ऑडियो फाइल्स, जहां पर आप ऑडियो फाइल्स अपलोड कर सकते हो, रिव्यूज दे सकते हो प्रोडक्ट के, और फ्री में अपने ऑडियो क्लिप्स को स्पॉटिफाई जैसे चैनल के ऊपर में अपलोड कर सकते हो, ताकि लोग जब भी आपके पॉडकास्ट को सुने आपके डिस्क्रिप्शन में जाके उन लिंक्स को यूज करके आपके प्रोडक्ट को परचेस कर पाए। दुनिया में पॉडकास्ट एक नंबर वन प्लेटफॉर्म है दोस्तों, लेकिन इंडिया में अभी ग्रोइंग स्टेज में है। इसके बावजूद आप अगर यहां पर एंट्री कर लेते हो तो ये राइट टाइम है दोस्तों पॉडकास्ट के ऊपर में कुछ कर दिखाने का। दूसरा प्लेटफॉर्म है दोस्तों पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट एक ऐसा चैनल है, इनफैक्ट मेरे हिसाब से दुनिया में एकलौता प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप एफिलिएट लिंक को ऑफिशियली प्रमोट कर सकते हो बिना किसी हेजिटेशन के, आपको पिंटरेस्ट अलाउ करता है। लेकिन पिंटरेस्ट ज्यादा पॉपुलर है यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज में, इंडिया में उतना पॉपुलर नहीं है। तो आपके प्रोडक्ट जो बाहर की कंट्रीज को टारगेट करते हो उनके लिए यह प्लेटफॉर्म बहुत ही बेहतर है। यहाँ पे लेडीज क्राउड ज्यादा होता है दोस्तों, अगर लेडीज रिलेटेड प्रोडक्ट्स आप ज्यादा प्रमोट करोगे पिंटरेस्ट के ऊपर में तो डेफिनेटली आपके कन्वर्जन यहाँ पे बढ़ जाएंगे। दोस्तों, पिंटरेस्ट के ऊपर में आप ह्यूज ट्रैफिक एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप मेरा अकाउंट देखोगे जिसके ऊपर देख सकते हो 1.5 लाख प्लस की ट्रैफिक जो है मेरे अकाउंट के ऊपर में आती है मंथली, और उसमें से अगर 10% भी कन्वर्जन में कर लूं तो बहुत बड़ा नंबर हो सकता है दोस्तों। यही ट्रैफिक आपके पास में भी आ सकती है अगर आप अपना अकाउंट पिंटरेस्ट पे क्रिएट करो। अगर आपको पता नहीं है पिंटरेस्ट के ऊपर में अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है तो जाइए कमेंट बॉक्स में और मुझे बताइए, ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर में बना दूं।
और तीसरा प्लेटफॉर्म है दोस्तों YouTube। YouTube एक बहुत ही ज़्यादा यूज प्लेटफॉर्म है इंडिया में और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में, जहाँ पर 2.5 आवर्स से 3 आवर्स तक का कंटेंट डेली यूजर देखा करता है एवरेज। YouTube के ऊपर में आप अपना खुद का चैनल क्रिएट कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे सकते हो ऑफिशियल, और साथ में उस लिंक के ऊपर से जो भी बिजनेस जनरेट होता है उसका कमीशन आपको डायरेक्टली मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो जाइए अपने एफिलिएट प्रोडक्ट को प्रमोट करना शुरू कर दीजिए। आपके पास वेबसाइट हो या ना हो उससे अब फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं कि एफिलिएट मार्केटिंग के लिए ऐसे कौन से कीवर्ड यूज करें। जैसे इवेंट ब्लॉगिंग के बारे में बात की हम लोगों ने, इवेंट ब्लॉगिंग के लिए कौन से कीवर्ड यूज करें जहां पर उसकी डिफिकल्टी कम हो और सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो। उसके लिए हम लोग दुनिया का नंबर वन प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, जिसके थ्रू हम लोग समझेंगे किस तरह से कीवर्ड रिसर्च किया जाए और राइट कीवर्ड ढूंढा जाए। उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा ताकि आपको वेल इन एडवांस नोटिफिकेशन आ जाए और आपको वेट करने की जरूरत ना पड़े। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय बाय।